हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी फ्रेंड्स सबसे पहले तो आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड कलरफुल होली अब फ्रेंड्स देखिए गर्मी का मौसम आ चुका और गर्मियों के मौसम में हमें अपने बाइक या स्कूटर से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातों का खास ख्याल रखना होता है ताकि इस मौसम में भी हमें अपने बाइक या स्कूटर के इंजन से बेहतर माइलेज मिल सके बेहतर पावर आउटपुट बेहतर एक्सेशन ये सब कुछ मिल सके और बाइक और जो स्कूटर है वो इस मौसम में भी हेल्दी और सेफ रख सके फ्रेंड्स पिछले साल गर्मियों में मैंने इस सेम टॉपिक के ऊपर में एक वीडियो बनाए

और इंजन जब पावर प्रोड्यूस करता है उससे क्या होता है कि जो कंबसन चेंबर है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उसका जो हीट है वो इन फिन्स में चला आता है और जब हम लोग बाइक को चलाते हैं उस टाइम जो हवा है टकराता है है तो ये जो है, वो ठंडा होने लगता है और अल्टीमेटली ये जो है वो हमारे इंजन को ठंडा करने के काम में आते हैं लेकिन कई बार क्या होता है कि जो इंजन के फिंस है वो बहुत ज्यादा गंदा हो जाते हैं इसमें जो धूल गंदगी है जो मिट्टी वगैरह वो जमा हो जाता है और गर्मी के दिनों में और दिक्कत की बात क्या है कि जो एटमोस्फेरिक एयर है जो वातावरण का हवा वो अलग से गर्म होता है ऐसे में अगर जो इंजन का फिंस है वो गंदा रहता है गर्मी के दिनों में तो इंजन बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है इंजन का जो हीटिंग रेट है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है और खास करके जो एयर कूल्ड इंजन वाले बाइक होते हैं शिकायत और ज्यादा देखने को मिलता है तो गर्मी के दिनों में सबसे पहले तो आपको कोशिश करना चाहिए कि आपके बाइक का जो इंजन का फिंस है उसे आप साफ रखें आप चाहे ब्रश का यूज कर सकते हो चाहे कपड़ा वगैरह का यूज कर सकते हो और कोशिश करें कि जो इंजन का फिंस है वो साफ रहे चलिए जो पॉइंट नंबर टू है वो इंजन ऑयल देखो बहुत से लोगों को नहीं पता होता है कि जो इंजन ऑयल है वो एज अ कूलेंट भी काम करता है वो इंजन को ठंडा करने के भी काम आता है और खास करके जो ऑयल कूल्ड इंजन वाले बाइक्स होते हैं वहां पर आपको दो चीजों का ख्याल रखना गर्मी के दिनों में पहले तो आप गर्मी के दिनों एडजस्ट आ ही गया है तो आप चेक कर लो कि आपके बाइक या स्कूटर में जो इंजन ऑयल डाला गया उसका जो लेवल है वो मिनिमम के लेवल से कहीं कम तो नहीं हो गया है अगर कम है तो आप थोड़ा सा टॉप अप कर लो अगर आपको चेक करने नहीं आता कि इंजन ऑयल कैसे चेक करने है तो इसके ऊपर बनाया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दूसरा चीज आप ख्याल रखिए आप इंजन ऑयल की जो क्वालिटी है उसे भी जरूर से चेक कर ले कई बार क्या होता है कि जो इंजन ऑयल वो बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है इंजन की जो है, वो बहुत ही हो जाती। काफी समय तक अगर आप इंजन ऑयल जिसे बहुत से लोग मोबिल कहते हैं उसे चेंज नहीं करो तो विस्कॉसिटी वगैरह और कम हो जाती है तो ऐसे में आपको रिकमेंड करूंगा कि गर्मी के दिन आ गए हैं और इंजन ऑयल अगर आपका जो बाइक स्कूटर में डाला गया उसके जो क्वालिटी वगैरह बहुत ही खराब हो चुकी है तो आप उसे जरूर से चेंज कर ले चलिए थर्ड पॉइंट है जिसमें आपको ध्यान रखना है टायर एयर प्रेशर का कई वीडियो मैंने आपको बताया और आपको यह पता चल भी चुका होगा कि जो टायर का इंपॉर्टेंट है टायर के अंदर में जो हवा भरा गया उसका इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा होता है हमारे बाइक का मालिक से भी जुड़ा हुआ होता है लेकिन गर्मी के दिनों में जस्ट आपको क्या ख्याल रखना मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं मान लेते कि आपके बाइक में जो पीछे का टायर है उसमें साइज वगैरह के हिसाब से कंपनी रिकमेंड करती है कि आपको थर्टी सिक्स पी एस आई इतना हवा रखना है लेकिन गर्मी के दिनों में कोशिश करो कि एक या दो पी एस आई आप कम रखो आप चौतीस या पैतीस हवा

ते हो छत्तीस रिकमेंड करके अट्ठाईस रखते हो तो उसमें अलग से नुकसान है मालिश ड्रॉप हो जाता है तो आपको टायर एयर प्रेशर का गर्मी के दिनों में खास ख्याल रखना है फ्रेंड्स टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा देखो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया और अगर आप भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या कर चुके हो और सिर्फ मैकेनिकल नहीं सी एस आई टी डबल ई सी सिविल इंजीनियरिंग भी अगर आप कर रहे हो कर चुके हो और आप गेट की तैयारी कर रहे हो गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए गुड न्यूज़ एक बहुत ही बेहतरीन मौका है जो कि आपके लिए लेकर आई है प्रेप लैडर लर्निंग ऐप ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा सिंपली आपको ऐप को डाउनलोड करना है और जो मेरा रिफर कोड है एम टी एच जीरो

वगैरह होती है और आपको यह पता होना चाहिए चाहे बाइक हो स्कूटर या दूसरी कोई भी गाड़ी हो तो इंजन के सिलेंडर के अंदर में सिर्फ पेट्रोल नहीं जलता है पेट्रोल के साथ हवा भी जाता है दोनों मिक्स होकर जलता जिससे कि पावर प्रोड्यूस करता है और हवा आता है जो जो आसपास का हवा वही हवा इंजन के सिलेंडर के अंदर में जाता है तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है कि आपके बाइक या स्कूटर का जो एयर फिल्टर है वो क्लीन हो वो साफ हो ये आप मेक श्योर कर ले गर्मी के दिनों में खास करके मेक श्योर कर ले और अगर आपको लगता है आपको देख कैसा पता चल रहा है कि भाई एयर को चेंज करना होगा तो आप इसे जरूर से चेंज करा लेन है, है बहुत घूम फिर के सब जगह से होते हुए, तक ही पहुंचता है चेन ही जो हमारे बाइक का जो पीछे का चक्का है उसे घुमाता है जिससे हमारे बाइक आगे मूव करती है तो जबकि गर्मी का दिन आ गया है तो जस्ट आप ये भी एक चेन बहुत ज्यादा गंदा है तो आप उसे अच्छी तरह से साफ़ कर ले उसे लुब्रिकेट कर दे अगर चेन ढीला चेन का स्लैक सही नहीं है तो आप उससे भी एडजस्ट करा ले तो चेन में आपको ख़ास ख्याल रखने का ज़रूरत है नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग वॉशिंग एंड पॉलिशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो आप गर्मी के दिनों में अपने बाइक या स्कूटर को साफ सुथरा रखो उसे धो के रखो लेकिन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे पॉलिशिंग क्योंकि देखो गर्मी के दिनों में इतना तेज धूप होता है तो कई बार जो हमारा बाइक हो स्कूटर हो स्कूटी हो उन सबका जो पेंट है वो फेड होने लगता है कलर फेड होने लगता है इनका तो इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे पॉलिश करके रखें जिससे बहुत हद तक जो हमारे पेंट का कलर वगैरह वो बच जाता है तो वैसे पॉलिश के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जिस पॉलिश का मैं यूज करता हूँ उसका भी लिंक आपको इसी वीडियो के

अपडेट होता है जहां पे हम लोग अगर सर्विस सेंटर जाते हैं तो सही तरीके से फंक्शन करते हमारे बाइक या नहीं कर रहे ये सब कुछ चेक हो जाता है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक बार जरूर से आप अपना जो इश्यू है उसे चेक कराए और जरूरत है तो उसे अपडेट भी करा ले चलिए जो अगला पॉइंट है वो है पार्किंग क्योंकि गर्मी के दिनों में धूप इतना ज्यादा तेज होता है और अगर आप लंबे समय तक घंटे दो घंटे चार पांच घंटे तक अपने बाइक को पार्क करने वाले हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको पेंट वगैरह को बचाना है आप चाहते हो कि पेंट फेड नहीं हो, तो शेड है, कि जो है जो आप उसे भी यूज कर सकते हो वो भी बहुत हद तक फायदेमंद हो जाते हैं वैसे मैं आपको जो मेरा अकॉर्डिंग बेस्ट कवर्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फाइनली जो आखिरी पॉइंट है वो है सर्विसिंग टाइम सभी मौसम में सभी दिनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है और अगर आप टाइम सर्विसिंग करा ले तो और चूंकि गर्मी आ गई है और अगर आपके बाइक स्कूटर का जो सर्विसिंग है वो ड्यू है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सर्विसिंग सर्विसिंग करा क्योंकि कराओगे तो बहुत सारे पॉइंट जो मैंने आपको शुरू में बताए वो सब कुछ यहां पे कवर हो जाते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एक बार जरूर से से आप अच्छी तरह से जहां भी आपकी मर्जी ऑथराइज सर्विस सेंटर में या फिर लोकल ग्राज में जहां भी आप कराते हो वहां पर जाकर अच्छी तरह से सर्विसिंग करा लो तो ये दस पॉइंट है जिनमें गर्मियों का खास ख्याल रखना पड़ता है ताकि आपकी बाइक या स्कूटर इस मौसम के लिए रेडी रहे और अच्छी तरह से परफॉर्मेंस माइलेज सब कुछ आपको मिल सके उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको आएगी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे वीडियो के बारे में और चैनल के बाद अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेलकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो की अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे मिलते अगले वीडियो में थैंक्सर वॉचिंग दिस वीडियो गुड बाय